राजौरी में लगातार 3 दिन से चल रही हड़ताल के दौरान पीएचई कर्मचारी सड़क अवरुद्ध कर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान एक कर्मी की हालत बिगड़ने के कारण उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उस कर्मचारी की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जम्मू रेफर कर दिया। वहीं जम्मू ले जाते हुए कर्मचारी की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। इस हादसे से पीएचई कर्मचारियों में प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने शव के साथ विभाग के विरुद्ध नारेबाजी कर अपने हक की मांग करते हुए कहा, आदमी हमारा बात कर, ये अलग जो है, इसको सर में दर्द हुआ, जब 12 वोचर का मसला आया तो इसमें इसके भाई ने मुझे बयान दिया अभी के, जब 12 वोचर का मसला आया इसने सर पे हाथ मारा कि मेरी जमीन भी चली गई, लैंड केस में था ये, मेरी जमीन चली गई, मेरी जिंदगी जो है वो भी तबाह हो गई है। अचानक इसको जो है सर में दर्द हुआ, अटैक की बीमारी हुई, यहाँ से जम्मू ले जा रहे थे, अभी रास्ते में जो है इसकी मौत हो गई है। तो मेरे भाइयों, मैं मीडिया की विसादत से यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, यहाँ के जितने भी आला अफिसरान उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पे आए, ये हालात देखें। 4 साथी हमारे और बीमार हैं रात को यहाँ पे, वो मैंने रिपोर्ट दी एसपी साहब को, मैंने दी अभी, मैंने लिखवाई है उनकी कि 4 साथी हमारे और यहाँ रात के बीमार हैं, हमारे पास कोई महकमे वाला यहाँ पूछने नहीं आ रहा, ये है हमारी जिंदगी, ये है यहाँ का इंसाफ, ये है यहाँ की जो है क्या